मेरे दोस्तों मेहनत और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरव क्रेजी। तो आज का हमारा वीडियो है क्योंकि आज मैं मेरे जितने भी क्यूब्स हैं वो सारे क्यूब को मैं स्क्रैम्बल करके सॉल्व करूंगा और आपको बीच बीच में कोई ट्रिक भी सिखा दे दूँगा। और आप वीडियो को कभी भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि मैं बीच बीच में ही ट्रिक दूँगा। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग इस 3x3 रूबिक्स क्यूब को सबको जल्दी से जल्दी स्क्रैम्बल करते हैं और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो इसको एक स्क्रैम्बल बबल क्यूब भी स्क्रैम्बल और पिरामिड भी स्क्रैम्बल। पिरामिड भी स्क्रैम्बल और 3x3 भी स्क्रैम्बल और 2x2 भी स्क्रैम्बल और एक और 3x3 स्क्रैम्बल। अब ये मेरे पास क्यूब कितने हैं देखते हैं। तो 3x3 हमारे पास 3 हैं, एक बबल क्यूब 3x3, एक पिरामिड और एक 2x2। तो आपको ये सब दिख रहा होगा। अभी गाइस मैंने सारे क्यूब को स्क्रैम्बल कर लिया है तो अब बड़ा से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइमर भी ले लिया है CS टाइमर, तो आपको टाइमर में भी दिखता रहेगा और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा पूरे अच्छे से स्क्रीन में ला कर। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 3, 2, 1 गो। तो देखो ऐसे प्लस बनाते हैं। प्लस बनाने के बाद ये देखो, प्लस बनाने के बाद कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इन दैट सॉल्व इट करते हैं। प्लस बनाने के बाद देखो ऐसा होता है, देखो हमारे प्लस बनाने के बाद ऐसा होता है कुछ। प्लस बनाने के बाद फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर सॉल्व किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ और मैं ज़्यादा स्पीड क्यूबिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर स्पीड क्यूबिंग करता तो मैं बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाता हूँ। पहले आपको मैं बता दूँगा कि 3x3 रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। बट ऐसे करने के बाद आपको ये देखो सेकंड लेयर बन जाता है। उसके बाद थर्ड लेयर को एडवांस मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एडवांस मेथड अच्छा लगता है थर्ड लेयर में। कोई कोई को नहीं बताया तो मैं आपको जल्दी से सिखा दूंगा। वैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने इतना ज़्यादा सेकंड क्यों लिया, पर हाँ गाइस 10 सेकंड मुझे लेना पड़ा क्योंकि 10 सेकंड लेने के कारण ऐसा हो ही जाता है कभी कभी। अब देखो ये भी सॉल्व हो गया। अब पिरामिड, तो मैं आपको ट्रिक तो सिखाते जाऊंगा बीच बीच में, पर आपको जरूर से इसको ध्यान देना है। मैं आपको कुछ ट्रिक सिखाऊंगा जो आपको आगे जाते वक्त क्यूब सॉल्व करते वक्त काम आएगी, ठीक है। मैं भी ज़्यादा स्पीड क्यूबिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझ देता हूँ तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब मैं स्पीड क्यूबिंग करने जा रहा हूँ। 3, 2, 1 गो। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्यूबिंग स्पीड कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को कभी भी स्किप ना कीजिए। सेकेंड आपके लिए बहुत कीमती होगा ये सब चीज़ें। ये देखो हो गया सॉल्व करने वाला मतलब। तो देखो अब ये हो ही जाएगा सॉल्व। ये हो गया, मैंने मतलब 4 क्यूब सॉल्व हो लिए। अब 2x2 का मैं पहले दे दूँगा शायद 2x2। वाइड भी सॉल्व हो गया। बबल क्यूब, ये बबल क्यूब है कि बॉल क्यूब है आप लोग कमेंट करके बताइए।
और हम लोग बबल क्यूब से और क्या क्या कर सकते हैं वो भी पूछिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट करके। हो गया, मतलब 3.30 सेकेंड, 3 मिनट 30 सेकेंड हमें लग गए और इन सारे क्यूब्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखो ये सारे क्यूब्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये पूरे पूरे क्यूब को ही हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया 3 मिनट के अंदर। बाप रे, मुझे लगा था कि और मैं कम सेकंड और कम मिनट के अंदर कर पाऊँ, पर 3 मिनट ठीक ही है क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्यूब है मेरे पास, 3 मिनट ठीक ही है। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा और जल्दी स्पीड। वीडियो में इतना ही कुछ था और बाय दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब।